नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा की एक और पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान। 30 सितंबर को होगा मतदान, 3 अक्टूबर को आएगा परिणाम। कांग्रेस ने बीते 7 सालों में हुई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की जाँच की उठाई मांग। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, भाजपा सरकार में पेपर लीक होना पुरानी बात। 6 जिलों में पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने लहराया परचम। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गढ़ में लगाई सेंध, कई सीटों पर रहा कांटे की टक्कर। भारत के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण जीतकर रचा इतिहास। वहीं सिल्वर मेडल विजेता देवेंद्र झाझड़िया का जयपुर में हुआ जोरदार स्वागत। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की निधन के बाद कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसी बीच यहां मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक घाटी के ज्यादातर हिस्सों में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में लोगों की आवाजाही में ढील दी गई है। श्रीनगर के पुराने इलाके और हैदरपुर में पाबंदियां जारी हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में 1 और पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 2 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव करवाए जाएंगे। इसमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं। उपचुनाव की मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीतना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने बीते 7 सालों में हुई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की जाँच कराने की मांग की है। इस संबंध में जेईई में कथित धांधली के लिए एक हालिया प्रकरण का हवाला दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाकर पिछले वर्षों के दौरान हुई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जवाबदेह है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की सरकारों में पेपर लीक होना पुरानी बात है। ये सिलसिला व्यापम से लेकर अब तक जब जेईई तक पहुंच चुका है। राजस्थान के 6 जिलों में 25 पंचायत समिति के चुनावों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन चुनावों में कांग्रेस के कई मंत्री और विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। कांग्रेस को दौसा, सिकराय, विराटनगर, झोटवाड़ा में स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गढ़ को ध्वस्त करते हुए कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के विधानसभा क्षेत्र आमेर में रोचक स्थिति देखने को मिली। यहां 23 वार्डों में कांग्रेस भाजपा दोनों ने 11-11 सीटें जीती और 1 निर्दलीय विजय हुआ है। ऐसे में यहां पर निर्दलीय ही निर्णायक भूमिका में रहेगा। वहीं पावटा में भी भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला टाई रहा। उधर दौसा के वार्ड नंबर 14 में पर्ची से फैसला हुआ, जिसमें कांग्रेस को विजय मिली। जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति में भी टाई रहा। यहां 23 सीटों में से 11 भाजपा, 11 कांग्रेस के पाले में आई हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने टेनिस प्रीमियर लीग के पोस्टर का विमोचन किया है। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आमजन की सेवा की, इसलिए सभी का कर्तव्य है कि कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता जाहिर करें। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना, उसके प्रति सम्मान प्रकट करना है। वहीं लीग के आयोजक सचिव डॉक्टर अनिल यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों से करीब 100 डॉक्टर्स सम्मिलित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर क्लब में 9 से 12 सितंबर तक आयोजित हो रही इस लीग में 8 टीमें होंगी। कार्यक्रम में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित डॉक्टर जयंत सेन, डॉक्टर सुधांशु शर्मा, डॉक्टर हरीश भारद्वाज, डॉक्टर सी के गर्ग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बांसूर में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। यहां ज्ञानपुरा सरपंच विजय इंदौलिया और ग्रामीणों ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बाद में कीरो की ढाड़ी में शहीद राम सिंह जाट की मूर्ति पर खाचरियावास ने फीता काटकर अनावरण किया। इस मौके पर खाचरियावास ने कहा कि जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बच्ची का सुहाग जाता है, जिस बाप का लाडला जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है हमारा प्यार इतना मिले कि ये अपने आंसुओं को भूल जाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांसुर विधायक शकुंतला रावत ने की। गौरतलब है कि शहीद राम सिंह जाट 22 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। 4 सितंबर 2017 को कारगिल में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने बहन बेटियों की इज्जत लूटना शुरू कर दिया है, वहाँ के जो हालात हैं अगर आप सोचें तो ऐसे हालात हमारे देश में हो गए तो हम पर क्या गुजरेगी, क्योंकि भारत में भी तालिबान विचारधारा के लोग हैं। चौधरी ने कहा कि कुछ लोग हमारे घर के अंदर रहकर भी बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी का ही कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा का हो सकता है। और वहीं कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने भभूतीपुरा के जंगलों में उसे गिरफ्तार किया। जगन गुर्जर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस ने 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ था। सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत ने इस संबंध में जानकारी दी। और वहीं बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल से मानवता की एक नई तस्वीर सामने आई। यहाँ भर्ती महिला मरीज दरिया देवी को खून की जरूरत थी। इसकी जानकारी मिलने पर रामदेव रक्तकोष सेवा संस्थान के अध्यक्ष सोनू जीनगर को सूचना दी गई। इस पर टीम सदस्य और रक्तदाता राजू दास ने रक्तदान कर मिसाल पेश की। वहीं रेशमी देवी को मुरली दास और कैलाश भाई, अंतरा देवी को कालूराम और संजय कुमार, भानाराम को गेवर भाई ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। टीम सदस्य हैदर चंडवा ने बताया कि रक्तदाता हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा में हाजिर रहते हैं। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष सोनू जीनगर, राजू दास और हीरालाल भील, हैदर चंडवा सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। पैरा ओलंपिक में पहली बार खेले जा रहे बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ब्रिटेन के डेनियल बिथिल को उन्होंने फाइनल में एक तरफा अंदाज में हराया। 21-14 से पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में ब्रिटिश शटलर ने वापसी की, लेकिन 4-11 से पिछड़ने के बाद प्रमोद ने पलटवार किया और 21-17 से मैच अपने नाम कर लिया। वहीं बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स स्पर्धा SL3 में भारत के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले देवेंद्र झांझड़िया का आज जयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक और परिजन मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका और उनके परिवार का एक सपना था कि वे पैरा ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल की हैट्रिक बनाए और उनका यह सपना पूरा हो गया है। देवेंद्र ने कहा कि जब COVID-19 संक्रमण आया था तो उनकी तैयारियों पर भी असर पड़ा, लेकिन उनकी पत्नी ने कोच की भूमिका उस समय निभाई और टोक्यो पैरा ओलंपिक की तैयारियों में का खूब साथ दिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।